केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना का टीका स्वैच्छिक होगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह साफ किया है कि कोविड 19 के वैक्सीनेशन का जो अभियान शुरू होने वाला है वो स्वैच्छिक होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को ये निर्देश दिया है। इस निर्देश में कहा गया है, जब कोई व्यक्ति कोरोना वैक्सीनेशन के लिए आता है तो उससे उसकी इच्छा जानना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पहुँच जाता है और वहाँ उसे ये लगता है कि उसे टीका नहीं लगवाना, तो वो संबंधित अधिकारियों को इस बारे में साफ साफ बता सकता है। इस निर्देश में कहा गया है कि कोरोना का टीका उन लोगों को भी लगाया जाएगा जो हाल ही में कोरोना वायरस से रिकवर कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस वैक्सीन स्वैच्छिक होगा, इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। क्या कोरोना वैक्सीन लेनी जरूरी है? इसके जवाब में एक्सपर्ट्स का कहना यही है कि कोरोना वैक्सीन स्वैच्छिक है, यानी आपकी मर्जी है कि आप इसे ले या ना ले। जबरदस्ती किसी को वैक्सीन नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने और अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा करने चाहते हैं, तो आपको ये वैक्सीन लेनी चाहिए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इस लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।